दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तिल, मूंगफली और गुड़ की लड्डू बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और इसे बनाना भी आसान है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। तिल गुड़ की लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप तिल लेंगे, 250 ग्राम। ये ब्राउन तिल है, आप चाहे तो व्हाइट तिल से भी बना सकते हैं। और 1 कप रोस्ट किया हुआ मूंगफली, मैंने इसे रोस्ट करके इसका छिलका निकाल के ले ली हूँ, लगभग 200 ग्राम है। और 250 ग्राम गुड़, मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस कर ली हूँ। और 1 बड़ा चम्मच घी, जितना हमें तिल लेना है उतना ही हमें गुड़ लेना है। अब हम मूंगफली को 1 बड़ा सा प्लेट में ले लेंगे और कोई कूटने वाले से इस तरीके से हल्का हल्का क्रश कर लेंगे, मतलब एक मूंगफली में 2 से 3 दाने कर लेंगे इस तरीके से। आप मूंगफली और तिल और गुड़ की लड्डू बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रख लेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम तिल को डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तिल को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और एक एक तिल चटकने लगा है, इसका मतलब हमारा तिल भून के तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और फैला के साइड में रख देंगे। अब हम सेम कढ़ाई को गैस पे रख लेंगे, फ्लेम लो रखेंगे। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच घी। अब इसमें हम गुड़ को डाल देंगे। आप जब भी गुड़ ले तो छोटे छोटे पीसेस कर ले तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसे लगातार चलाते रहिए, फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसे हम चेक करेंगे, एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा बूंद गिरा दीजिए। आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रेच हो रहा है, इसी तरीके का हमें चाशनी चाहिए, यही पहचान है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें हम मूंगफली को डाल देंगे, तिल को डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी ज़्यादा गुड़ नहीं है। आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका तिल लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हल्का सा फैला देंगे। इसे हमें गर्मा गर्म ही बनाना पड़ता है, ठंडा होने के बाद नहीं बनाना है आपको। अब हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और हथेली में हल्का सा लगा लेंगे। अब हम छोटे छोटे इस तरीके से लेंगे और दोनों हथेली के बीच में इस तरीके से घुमाते हुए गोल कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बना है। अब इसी तरीके से हमें सारे लड्डू को बना लेना है। अगर आपके घर में कोई मेंबर है तो उसका हेल्प ले लीजिए, जल्दी बन जाएगा। मैंने सारे लड्डू को बना ली हूँ और थोड़ा सा लास्ट में बच गया है। तो देखिए, ठंडा हो गया है तो भी बहुत ही आसानी से लड्डू बन गया। तो आप टेंशन ना लें कि ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बनेगा, ये बन जाता है और एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप इसे एयर टाइट डब्बा में रख के 2 से 3 महीना तक खा सकते हैं। मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। जब आप इसे खाएंगे तो आपके दांत में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। आप भी इस मकर संक्रांति पे बनाइए,
खाइए, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।